हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक प्रोफेशनल लोगो कैसे बना सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि लोगो क्या होता है। तो जब भी कोई हमारे चैनल को यूट्यूब पर सर्च करता है तो उसे हमारे चैनल के नाम के लेफ्ट साइड में एक आइकन दिखाई देता है जिसे हम यूट्यूब लोगो कहते हैं। अगर ये लोगो एक प्रोफेशनल लोगो होगा, इसको हम एक प्रोफेशनल ढंग से बनाएंगे तो ये देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा, जिससे आपकी ऑडियंस काफ़ी आपके चैनल के साथ एंगेजमेंट होगी। इससे आपके चैनल को ग्रोथ करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इसमें आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है कैनवा। ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, तो इसे आप जल्दी से अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लें। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो हम इसमें सबसे पहले जो आपको मैंने कैनवा ऐप बताई थी उसको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ये रही, इसको जैसे ही आप इंस्टॉल करके ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो इसमें आप किसी भी अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर लेना, या फेसबुक से भी कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से इसमें अपने जीमेल अकाउंट से साइन इन कर लेता हूँ। तो आप सब देख सकते हैं, ये मैंने अपने जीमेल अकाउंट से इसमें साइन इन कर लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये लोगो वाला सेक्शन है। यहाँ पे काफ़ी सारे सेक्शंस दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। हमें यूट्यूब थंबनेल बनाना है, वो भी हम यहाँ से बना सकते हैं। कोई पोस्टर है, स्टोरी है, कोई भी थंबनेल या हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें ये लोगो वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हमें सी ऑल पे क्लिक करना है। सी ऑल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे लोगोज आपके सामने आ चुके हैं। तो आपका चैनल जिससे रिलेटेड है, अगर गेम्स का है तो गेम्स का लोगो यहाँ से उठा लेंगे। ये गेम्स के लोगो हैं यहाँ पे ये सारे। ऐसे ही आपका चैनल जिससे रिलेटेड है तो आप उससे रिलेटेड यहाँ से लोगो थीम वहाँ से उठा सकते हैं। तो जैसे मैं एक गेम का चैनल आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ, जैसे ये है, इस पे क्लिक करेंगे। ये मैंने एक लोगो यहाँ से पिक कर लिया। ये इस तरीके से खुल जाएगा। ये बोल रहा है टैप ऑन एलिमेंट्स टू स्टार्ट एडिटिंग। तो हमें इसमें नाम चेंज करने के लिए हमें जस्ट इस पे टैप करना है। जैसे मैंने टैप किया इसके ऊपर और आप देख सकते हैं ये हाईलाइट हो गया। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, अपने चैनल का लोगो है तो हम चैनल का लोगो लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे विक्की लिख देता हूँ, गेमिंग लीग लिखा हुआ है, इसको बाहर एंटर कर देंगे। अब गेमिंग लीग पे क्लिक करेंगे, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, इसकी जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं। दे रखे हैं आपका जिस कैटेगरी का लोगो वो है आपका चैनल, उसी कैटेगरी का आप लोगो थीम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें नाम एडिट कर सकते हैं फिर, ठीक है, जैसे आपको चाहिए। उसके बाद आपको इसे यहाँ पे ये जो एरो का निशान दिख रहा है आपको, डाउन एरो का, इस पर क्लिक कर देना है और ये आपके फ़ोन के अंदर सेव हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, एलो कर देंगे इसे। ये आपका डिज़ाइन प्रिपेयर कर रहा है जो आपने अभी बनाया है। ये हो चुका है, यू सेव्ड योर डिज़ाइन, ठीक है। अब यहाँ पे हमें गो टू योर होम पेज पे क्लिक कर देना है और इस वाली एप्लीकेशन से बाहर आ जाना है। अब हमें क्रोम ब्राउज़र के अंदर जाना है, यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और अपने यूट्यूब चैनल में जाना है।
यहाँ पे हमें टाइप करना है www.youtube.com, एंटर कर देना है। उसके बाद हमारे सामने कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अपने यूट्यूब चैनल में आप अपने जीमेल अकाउंट से यहाँ पे साइन इन कर लेंगे। मैंने साइन इन किया हुआ है इसमें, ठीक है। तो इस पर क्लिक करना है और योर चैनल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये जो एरो दिख रहा है, इस एरो पे क्लिक करना है और यहाँ से डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। वी का आइकन दिख रहा है राइट कॉर्नर में, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको योर चैनल पे जाना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी, इसमें आपको कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू टू स्टूडियो पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक नई स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इस तरीके की आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, जूम करके आपको दिखाया है, लेआउट, ब्रांडिंग और बेसिक इन्फो। इसमें हमें ब्रांडिंग पे जाना है और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं आपके सामने, प्रोफाइल पिक्चर, बैनर इमेज, वीडियो वाटरमार्क। तो हमें अपना लोगो लगाना है यहाँ पे चैनल का, तो वो प्रोफाइल पिक्चर भी उसी को बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका लोगो जो है वो 4 MB या उससे कम का ही होना चाहिए और उसका एटलीस्ट साइज 98x98 पिक्सल्स होना चाहिए। तो इसमें हमने अपना लोगो क्रिएट किया हुआ है, तो हम यहाँ से अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इसमें से हमने जो लोगो लगाया था वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ये हमने अभी बनाया था, इस पर क्लिक कर देंगे। और ये यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे ये साइज ऑटोमेटिक इसमें देखो फिक्स है बिल्कुल, हमें कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पे डन पे क्लिक करना है हमें। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे लग गया है विकी गेमिंग सेंटर, ठीक है। और आप जैसे यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करेंगे, पब्लिश पब्लिश पे हमने क्लिक किया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए लोगो हमारा लग चुका है मेरा। तो इस तरीके से आप बहुत ही इजी तरीके से एक प्रोफेशनल लोगो अपने यूट्यूब चैनल के लिए बना सकते हैं और उसे लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।